हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सभी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारी इस टी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अन्य सोसाइटियों का भी बहुत बहुत हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है जो हमारी वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, जो न्यूज़ हम आपको देने जा रहे हैं दोस्तों, ये मीडिया के माध्यम से है और एक सच्चाई से हटकर है। जी हाँ दोस्तों, सच्चाई से हटकर इसलिए है क्योंकि यह साफ लफ्ज़ों में लिखा है कि राजस्थान के निवेशकों के अरबों रुपये लेकर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के संचालक फरार। तो दोस्तों, हकीकत को छुपाकर मीडिया जो भी आपको न्यूज़ देती है दोस्तों, ये सब भ्रमित करने वाली देती है, जबकि हम जानते हैं कि भारत सरकार की रणनीति के तहत इन कोऑपरेटिव सोसाइटियों को और चिटफंड कंपनियों को बंद किया गया है। तो चलिए दोस्तों, सुनाते हैं कि किस शहर में कितनी कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ खुली और कहाँ कहाँ से गायब हुई। ज़्यादातर अलवर की आपको हम ये न्यूज़ दे रहे हैं। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में मोटे ब्याज के लालच में निवेश करने वालों की नींद उड़ाने वाली खबर। अलवर ज़िले में से पिछले 3 माह में नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, आदर्श क्रेडिट सोसाइटी के संचालक निवेशकों का करीब 50 करोड़ रुपया हड़प कर फरार हो गए। मतलब उनके अलवर शहर में खुले कार्यालय बंद कर दिए गए, संचालकों का अता पता नहीं है। इस तरह अब तक अलवर ज़िले में करीब 50,000 से 1 लाख लोगों के करीब 800 से 1,000 करोड़ रुपया फंस चुका है। PSEL व सहारा में सबसे अधिक करीब 750 करोड़ रुपया जमा है। मोटे ब्याज का लालच देकर फंसाया है दोस्तों। सहारा और PSEL का यहाँ पर जिक्र आया, तो PSEL का भी ना आंकड़ा पता नहीं है। अगर मैं इनकी जानकारी के लिए बता तो 49,100 करोड़ रुपया PSEL कंपनी का इस वक्त सेवी विभाग के अकाउंट में पड़ा है और उसको अभी तक निवेशकों तक नहीं दिया गया, जिसके लिए इस वक्त सरकारी प्रक्रिया में उन्हें उलझा रखा है। आगे खबर है, मोटे ब्याज का लालच देकर फंसा रहे ये अधिकतर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी गरीब व आम जन के मोटे ब्याज का लालच देकर फंसाती है। एजेंट को ब्याज से भी अधिक कमीशन देती है, जो कंपनी कर्मियों को समझाने के बावजूद भी आम जन के सामने नहीं आने देते। जब कंपनी भाग जाती है तो एजेंट भी कुछ नहीं कर पाते। सामान्य तौर पर बैंक में FDR पर 8 से 8.50% ब्याज मिलता है, लेकिन ये सोसाइटियाँ 15% से अधिक ब्याज का लालच देती हैं। इसी तरह से डेली डिपॉजिट व सेविंग अकाउंट में भी दुगना ब्याज का ऑफर करती है। इस लालच में करीब 1 मध्यवर्ग के लोग अधिक फंसते हैं। इन सोसाइटियों का 100 करोड़ डर सता रहा। अलवर शहर में झब्बो क्रेडिट सोसाइटी, अक्षय सोसाइटी, यूनाइटेड क्रेडिट सोसाइटी, समृद्धि क्रेडिट सोसाइटी सहित करीब 1 दर्जन से अधिक सोसाइटी अलवर ज़िले के संचालित हैं, जिसमें जिले के कई हज़ार लोगों को करीब 100 करोड़ रुपए से अधिक जमा होना बताया जा रहा है। शटर पर ही लिखे रह गए सोसाइटियों के नाम 10 करोड़ नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी 2015 में अलवर के कार्यालय खोला था। करीब 1500 से 2000 लोगों को 10 करोड़ रुपया हड़प कर फरार हो गई। कंपनी बाग के पीछे की तरफ स्थित कार्यालय बंद कर दुकान का शटर अभी तक सोसाइटी पर नाम लिखा है। 8 करोड़ संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का कार्यालय 2011 अलवर में कंपनी बाग में खुला था। कंपनी पैसा लेकर गुम हो गई। कार्यालय के बाहर आज भी बोर्ड लगा है। ऐसे ही करीब 7 से 8 करोड़ रुपया ले गई 20 करोड़ आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। मनु पार्क का कार्यालय फरवरी से बंद है। एजेंट शिवाजी पार्क पहुंच गए, वहां से कुछ खातों को देख रेख करने में लगे। इस सोसाइटी में करीब 20 करोड़ रुपया जमा है। ऐसे भी निवेशक है जिनका 20 लाख रुपये से अधिक जमा है। दोस्तों, ऐसे भी निवेशक है जिनका एक ही निवेशक का 20 लाख से अधिक जमा है। तो दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको इस टी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। ये रेडीमेड न्यूज़ आपको कैसी लगती है? अगर आपको ये सही लगती है
तो लाइक या अनलाइक कर कर बताएं दोस्तों। आपसे हमारा अनुरोध है कि हमारी वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।